हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा और है क्वेश्चन कि आपके तीन वेक्टर हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको गिवन है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आपको गिवन है। आप देख रहे हो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 मीटर है, डायरेक्शन ईस्ट है। क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए वाई है और डायरेक्शन आपको नहीं पता। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8√2 है और ये नॉर्थ ईस्ट में है। किधर है? नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें आपको पता है आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, और जो मेजर करनी है, क्यू वेक्टर को एक तरफ ले लीजिए और आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ये आपके फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम अप्लाई करेंगे पूरा एक बड़े जो एक जनरल फॉर्म में के रूप में भी कर सकते हो, q इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। वैसे भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। फिर एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन टेन वाली बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ हम इसको करते हैं, ये एक्स अक्ष में इधर कितना है? 14 मीटर, लेकिन हमको ये वाला लेना है। और ये इधर क्या है दोस्तों? ईस्ट। और ये क्या है? नॉर्थ। और ये नॉर्थ ईस्ट में आपके वैल्यू है 8√2 मीटर, ठीक है। 45 डिग्री एंगल कोई सा भी ले लीजिए। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट 8 cos 45, तो ये हो गया 8 मीटर। और ऐसे ही 8√2 sin 45, ये भी हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। p वेक्टर माइनस में, तो ये आपके इधर आ जाएगा, कितना आ गया? 14 मीटर। तो r वेक्टर माइनस p वेक्टर के लिए हम q वेक्टर की वैल्यू ले लेते हैं। तो इन दोनों के लिए ये मान लीजिए आपके q वेक्टर है और ये y है, ठीक है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं 14 मीटर इधर है, 8 मीटर इधर है। तो जो रिजल्टेंट इसकी, इसका जो एक डायग्राम बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और इसका भी मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा वाई, कितना हो जाएगा दोस्तों? कॉस थीटा। और ये वाला हो जाएगा वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा। तो हम इसका एक डायग्राम बनाएं फिर से। तो क्या क्या आ गया देखिए आप, ऊपर की तरफ तो क्लियर है आपको, y cos थीटा इक्वल्स टू कितना है? 8 मीटर, ठीक है। और इस तरफ आपके कितना है? y sin थीटा, ठीक है, और 14 मीटर। और ये कितना है? ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो y sin थीटा इक्वल्स टू 14 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 मीटर इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 मीटर आ जाता है। और ये है आपके, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये y की वैल्यू, ये वाला एंगल हो गया थीटा, क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा इसके लिए? ये एक इक्वेशन हो जाएगी y cos थीटा इक्वल्स टू 8 मीटर और y sin थीटा इक्वल्स टू 6 मीटर, ठीक है। 8 इधर है, 14 इधर है, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं 6 मीटर। इक्वेशन 1 और 2, तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर लेते हैं और इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर लेंगे और दोनों को फिर ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 64 प्लस 36, तो वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो वाई इक्वस टू अंडर रूट 100 यानी 10 मीटर। तो ये तो दोस्तों आपके जो वाई है, पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों आपने मैग्नीट्यूड मेजर कर लिया और फिर हम इक्वेशन वन वाली साइन टू वाली है, तो इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन फॉर डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर की डायरेक्शन मेजर करने के लिए। तो ये हो जाएगा वाई साइन थीटा अपॉन वाई कॉस थीटा इक्वस टू 6/8। वाई से वाई कैंसिल हो गया तो टेन थीटा इक्वस टू आ जाएगा 2 3 6 2 4 8, तो थीटा इक्वस टू कितना आ गया दोस्तों 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 37 इक्वस अपॉन कॉस 37, तो साइन 37 होता है दोस्तों 3/5 और कॉस 37 होता है 4/5, या इसको अपॉन में ले लीजिए, ये इससे कट गया, तो ये हो गया 10 37 3/4। तो दोस्तों ये क्या आ गया, ये आ गया Q वेक्टर डायरेक्शन किधर हो गई, ईस्ट वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री। तो आई होप ये आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे मेथड आप यूज में इसमें ले सकते हो, जो एक मुझे अच्छा लगा वो मेथड आपको बता दिया है। आई होप ये आपको यदि अच्छा लगा है तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।